कंसल्टेंट स्पाइन सर्जन मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर, आप सभी को वर्ल्ड स्पाइन डे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। वर्ल्ड स्पाइन डे हर साल 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की थीम है एवरी स्पाइन काउंट, जिसका मतलब है कि स्पाइन से रिलेटेड जो भी हेल्थ बर्डन है उसको पूरे वर्ल्ड वाइड अपन उसको आइडेंटिफाई करें और उसको ट्रीट करें। स्पाइन के सबसे प्रमुख जो दिक्कतें हैं उनमें ये रहता है, गर्दन दर्द, कमर दर्द, हाथ या पैर का दर्द, हाथ या पैर की झंझनाहटी या नेग्लेक्टेड केसेज में लकवा भी हो सकता है। अपने को अपने स्पाइन को हेल्दी रखने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, एक्सेसिव स्मोकिंग को अवॉइड करना चाहिए, एक्सेसिव एल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए, साथ में एक ही जगह बहुत देर तक बैठे रहना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक लगातार मोबाइल का यूज नहीं करना चाहिए, आगे झुक के बहुत ज़्यादा जो वर्क आगे झुकने वाले वो नहीं करने चाहिए, एक्सेसिव वेट लिफ्टिंग नहीं करनी चाहिए, और प्रॉपर ऑफिस हो या घर हो उसमें प्रॉपर वर्क इर्गोनॉमिक्स को फॉलो करना चाहिए। और इसके अलावा जो अपन डेली रूटीन में यूज में ले सकते हैं वो हैं, अपने को डेली मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, डेली जॉगिंग करना चाहिए, और जो मुख्य जो एक्सरसाइज है जो स्पाइन के डिजीज़ को डेवलप होने से प्रिवेंट करते हैं, उनमें नेक के लिए नेक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज हैं, कमर के लिए कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं। तो इन सभी को डाइट प्लस एक्सरसाइजेज प्लस प्रिवेंटिव मेजर्स, इनको यूज में लेके स्पाइन की प्रॉब्लम होने से बचा जा सकता है। और अगर उसके बावजूद भी अगर कुछ स्पाइन की प्रॉब्लम हो गई हो तो आपके रेस्पेक्टिव कंसल्टेंट से उनका उचित परामर्श लेना चाहिए। और स्पाइन के बारे में अपना ऐसा पहले मिथ होता था कि स्पाइन की प्रॉब्लम एक बार हो गई वो पेशेंट लाइफ में कुछ काम नहीं कर सकता, ये सारा मिथ है, ऐसा नहीं है। स्पाइन सर्जरी में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ चुका है, मेजोरिटी ऑफ केसेज होते हैं उनमें ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती, बहुत कुछ केसेज होते हैं जिनमें भी ऑपरेशन की जरूरत रहती है। और अभी प्रेजेंट टाइम में अभी ये एंडोस्कोपी का टाइम है, तो इसमें बिना काट छाट के बिल्कुल जो माइन्यूट इंसिजन में भी हम स्पाइन सर्जरी कर रहे हैं एज ए डे केयर, जिसमें पेशेंट आता है, सेम डे ऑपरेट किया, सेम डे पेशेंट को मोबाइल कर दिया और पेशेंट को वापस सेम डे घर भेज सकते हैं। थैंक यू।